दोस्तों जीमेल पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फीचर्स आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट इश्यूज रहते हैं या फिर दोस्तों आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप रहते हो दोस्तों, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरनेट इशू देखने को मिलता है। तो इसी सब चीज़ को देखते हो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीमेल ने एक फीचर्स को लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप विदाउट इंटरनेट जब तो बिना इंटरनेट के आप जीमेल को एक्सेस कर पाओगे एंड वहाँ पे जो भी मेल्स वगैरह आते हैं उसे आप पढ़ पाओगे एंड साथ ही साथ जो भी वहाँ अटैचमेंट फाइल्स वगैरह आपको भेजा जाता है मेल के थ्रू, वो भी दोस्तों विदाउट इंटरनेट ही आप डाउनलोड कर पाओगे एंड और भी बहुत सारे चीज है दोस्तों इस फीचर में। एंड साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों इस फीचर्स को आप अपने जीमेल में एनेबल कर सकते हो एंड किस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये सारा चीज दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूं। सो आपको तो ज्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस वीडियो को एंड तक देखते जाना है एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो आपको बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो दोस्तों चले करते हैं को फटाक से स्टार्ट। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन में आप अपने जीमेल में इस फीचर्स को एनेबल कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रोम को ओपन करना होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये जो जीमेल एप्लीकेशंस होते हैं आपके फ़ोन में, जो जीमेल एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप यूज करते हो, तो वहाँ पर भी फिलहाल ये अपडेट नहीं आया है, बट आफ्टर टाइम दोस्तों आपके जीमेल पे भी, आपके फ़ोन के जीमेल एप्लीकेशन पे भी ये अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कुछ दिन बाद दोस्तों उसे यूज कर पाओगे इस फीचर्स को। तो फिलहाल इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा एंड सिंपली से सर्च बार में जाके यहाँ पे आपको दोस्तों लिखना है gmail.com एंड लिख के आपको दोस्तों सिंपली से सर्च करना है। एंड जैसे दोस्तों आप सर्च कर पाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका डेस्कटॉप वर्जन जीमेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट के टॉप साइड में दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन देखने को मिला है, सिंपली से आपको इस पर प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद जस्ट नीचे ही दोस्तों आपको सी ऑल सेटिंग देखने को मिला है, तो यहाँ पे आपको प्रेस कर लेना होगा। एंड प्रेस करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑफलाइन लिखा आ रहा है, तो सिंपली से दोस्तों आपको ऑफलाइन सेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है इनेबल ऑफलाइन मेल, तो सिंपली से इस बॉक्स में आपको टिक कर देना होगा एंड टिक करने के बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताऊँगा, फिलहाल इनेबल करने के लिए आपको नीचे में कीप ऑफलाइन डाटा ऑन माई कंप्यूटर सिंपली से इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है एंड नीचे सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दे तो आपका जो ये मेल है दोस्तों ये ऑफलाइन भी आप इसे यूज कर पाओगे। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी है फिर भी दोस्तों आप इसे बहुत ही आसानी के साथ यूज कर पाओगे, मेल्स वगैरह पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे कुछ बातें कर लो दोस्तों जैसे ये अपडेट में, तो अगर आप सोचोगे आपके फ़ोन में दोस्तों अगर इंटरनेट नहीं है तो उस विदाउट इंटरनेट भी आप किसी को मेल भेज सकते हो एंड आप रिसीव भी कर सकते हो ऑफलाइन में भी, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी से जो आपके फ़ोन में दोस्तों मेल्स हैं तो उसे दोस्तों ऑलरेडी ये सिंक कर लेता है, जब आपके फ़ोन में इंटरनेट रहती है तो उस समय सारे मेल्स को सिंक कर लेता है एंड जब आप ऑफलाइन रहते हो तो ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है एंड एट ए टाइम आप किसी को मैसेज भेजना चाहोगे, किसी को मेल भेजना चाहोगे एंड ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड साथ ही अगर चाहोगे आपको कोई मेल भेजे तो वो रिसीव हो जाए विदाउट इंटरनेट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिंपली से दोस्तों आपके फ़ोन में जो ओल्ड मैसेज जो भी मेल्स रहते हैं, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट रहता है तो उस समय दोस्तों इस फीचर्स को इनेबल करते ही वो ओल्ड जितने भी मेल्स रहते हैं उसे सिंक कर लेते हैं एंड जब आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं रहते तो वो सारे मेल्स को आप यहाँ पे इजिली से पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बट किसी को आप मेल वगैरह नहीं भेज सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको दोस्तों फिर से वो जो कुछ सेटिंग्स थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों स्टोरेज लिखा हुआ है, स्टोरेज के जस्ट में लिखा हुआ है दोस्तों यूजिंग 144 MB ऑफ 28 GB अवेलेबल ऑफलाइन मेल ऑन योर कंप्यूटर। तो सिंपली से इसका मतलब है दोस्तों कि 29 GB तक दोस्तों आप ऑफलाइन में जितना भी दोस्तों मेल्स वगैरह है तो आप उसे इसे स्टोर कर सकते हो एंड ऑफलाइन होने के बाद वो सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको टोटल 29 GB यहाँ पे आपको दोस्तों स्टोरेज देखने को मिल जाता है। एंड सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपको देख पा रहे हो दोस्तों सिंक सेटिंग्स, तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ से अगर आप डे को सेलेक्ट कर लेते हो, तो अगर सपोज डैट मैं यहाँ पे
लास्ट 7 डे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लास्ट 7 डे में दोस्तों मेरे फ़ोन में जितने भी मेल्स आए हैं तो उस सारे मेल्स को दोस्तों यहाँ पे सिंक कर लेगा। एंड जब भी दोस्तों मैं ऑफलाइन रहूँगा तो लास्ट 7 दिन का जो भी मेल्स वगैरह रहेगा वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे देख पाऊँगा। तो सिंपली से इसका ही मतलब है। एंड नीचे दोस्तों देख सकते हो डाउनलोड अटैचमेंट, अगर इस पर आप टिक करके रखते हो तो जब दोस्तों आप ऑफलाइन रहते हो तो जो भी सिंक किया हुआ मैसेज अटैचमेंट रहती है वो सारा चीज़ आप डाउनलोड कर पाओगे। तो सिंपली से यही चीज़ है दोस्तों, ये गलत फैमिली में आप मत रहना कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी रहेगा फिर भी आप किसी को मेल भेज सकते हो, या फिर लाइव अगर आपको कोई मेल भेजे तो उसे दोस्तों आपको रिसीव हो जाएगा, वो चीज़ आप पढ़ सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो आई होप जीमेल का जो फीचर्स था ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको दोस्तों ये पसंद आया होगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होगी, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक कर देना। एंड इसी तरह का और भी दोस्तों आप कॉन्टेंट फ्यूचर में भी चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलना। एंड आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर जाके आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली मैं दोस्तों उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। इस तरह के वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।